तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लिमिट्स का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्यों मैथ्स में हम एक लिमिट का चैप्टर पढ़ते हैं, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं एफ ऑफ एक्स का सच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच, है ना। तो इस तरीके के हम फॉर्मूले क्यों लिख के आते हैं, तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि लिमिट पढ़ने का एक रीजन है, ठीक। तो हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, हमने एक चीज के एनालिसिस की थी 0 बाय 0, ठीक है। और आपको याद होगा कि जब a अपॉन 0 दिया था तो हमारा मतलब हमने जब पुट कर दिया था तो a अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इंफिनिटी आ रहा था। इसी तरीके से हमने जब 0 अपॉन a ले लिया, किसी चीज को 0 से मतलब किसी चीज को मतलब 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इन दोनों पे जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया था a अपॉन 0 0 अपॉन a तो हमारा 0 इनटू इंफिनिटी आ गया था। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म को मतलब हमने स्टार्ट किया 0 अपॉन 0 से, हमने एंड किया 0 इनटू इनफिनिटी से। मतलब क्या है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, और ये भी अपने आप में इंडिटरमिनेट है कि 0 को इनफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और इसमें हम बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या और कहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। पहला ये होता है 0 अपॉन 0, दूसरा होता है हमारा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये हमारा दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तीसरा 0 इंटू इंफिनिटी होता है, चौथा 1 की पावर इंफिनिटी होता है, इसके बाद इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। मतलब ये ऐसे केसेस हैं जिनमें हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं, इसका रिजल्ट ये आता है। अब क्या है कि लकीली ऐसा ऐसा है कैलकुलस में कि आप बाकी किसी भी फॉर्म को ले लीजिए, ठीक है। आप इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ले लीजिए, आप 1 की पावर इंफिनिटी ले लीजिए, आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ले लीजिए, तो क्या होगा कि आप सबको इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है कि आपने अगर 0 की पावर 0 लिया है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपस में, और इसमें से अगर इसमें कर लिया तो फिर वही स्टेप फॉलो करके इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देख जैसे कि ये इसमें कन्वर्ट होकर आपको मिला था, इसी तरह हमने 0 पे 0 पे 0 इंटू इंफिनिटी उससे हमने निकाला था कुछ करके, ठीक है, वैसे ही कन्वर्ट होते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन, या इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस होती है वो 0 बाय 0 पे होती है, और ये जो 0 इंटू इंफिनिटी होती है, मतलब मैंने कहा ना कि अगर अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, ये अगर साइन लगा है और ये x² और dx है, तो ये जो 0 इंटू इंफिनिटी है ये यही कहीं से आ रहा है कि ये x² इंटू dx मतलब इस तरीके से बन रहा है वहां पे, और वहां पे निकल रहा है dx बनता है। मतलब क्या है कि ये मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस निकलता है, ये मेरा इंटीग्रल कैलकुलस निकलता है, जो इंटीग्रेशन होता है। अब समझ रहे हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने के लिए जरूरी है, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को जानना क्यों जरूरी है, लिमिट्स का चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स आनी क्यों जरूरी है, हम लिमिट्स लगाते क्यों है। तो जब ये निकल के आता है तो हम उसको डिफरेंशियल कह देते हैं, इसको इंटीग्रल कहते हैं, और बाकी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उसको हम इन दोनों में बदल देते हैं। अगर बाई चांस हम ना बदल पाते हैं या ऐसा मैथ्स पॉसिबल मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होता कि वो बदलते ही ना, तब क्या होता, तब ये होता कि हमारे पास कैलकुलस के 7 अलग अलग ब्रांचेस होती है। अभी हमारे पास कितनी है, 2 ब्रांचेस है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। बाय चांस अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हम इन दोनों में से नहीं बदल पाते तो हमारे लिए इसके इसके लिए एक अलग कैलकुलस होता, इसके लिए अलग कैलकुलस होता, इसके लिए अलग कैलकुलस हो जाता, इसके लिए अलग कैलकुलस हो जाता। लेकिन बाय चांस या बाय मैथमेटिक्स क्या है कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं या तो इसमें या तो इसमें, तो हमारे पास 2 ही ब्रांच है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म से निकल के आता है।